सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। अच्छा, आप सभी को पता है कि आज आपका क्लास 3 to 8 का यानी कक्षा 3 से 8 तक का रिजल्ट क्लियर किया है, तो कुछ बच्चों को उस रिजल्ट को देखने में कुछ समस्याएं आ रही थी। उस समस्याओं का बेसिक स्टेप्स के द्वारा फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको कोई भी एक आपके फ़ोन का ब्राउज़र खोलना है। जैसे मेरे पास खुला हुआ है फायरफॉक्स ब्राउज़र, वैसे आपके फ़ोन में क्रोम या गूगल वाला जो ब्राउज़र है उसे खोलना है। उसे खोलने के बाद आपको सर्च करना है गूगल पे EDUDEL। तो जब आप इसे सर्च करेंगे बच्चों, तो आपके पास एक नॉर्मल गूगल सर्च इंजन से चीज़ें खुल करके आ जाएंगी। इसमें सबसे ऊपर वाली जो सर्च आया आपका, यानी EDUDEL.NIC.IN, इस पर आपको क्लिक करना है बच्चों। तो जब आप क्लिक करेंगे, तो अगर आप वेबसाइट आपकी सीधी खुल जाती है तो ठीक है, नहीं खुल रही है तो आपको ये वाला ऊपर वाला क्लिक करना है स्किप टू डिपार्टमेंटल वेबसाइट। तो जब आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा रिजल्ट 202223, आपको इस पर क्लिक करना है बच्चों। तो फिर आपके पास एक परफॉर्मा आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट क्या है। तो इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स को आपको फॉलो करना बच्चों। जैसे कि ये है, सबसे पहले आपको आपकी स्टूडेंट आईडी को आपको टाइप करना है। स्टूडेंट आईडी टाइप करने के बाद आपको क्लास और सेक्शन को सेलेक्ट करना है। फिर आपको डालनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। बच्चों, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रजिस्टर्ड है स्कूल में वो ही डालिएगा, अगर नहीं डालेंगे तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। उसके बाद आपको आखिरी में डालना बच्चों विजुअल कोड। ये है विजुअल कोड, आपको इसको इस पर डालना है, इस कॉलम में। जब आप इस कॉलम में से डाल देंगे विजुअल कोड को बच्चों, तब आपको दबाना है सबमिट बटन। जब आप सबमिट बटन दबाएंगे तो ही आपको आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ दिखेगा बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।